43 साल बाद कोई सरकार मुरादाबाद के उस दंगे को ला करके पटल पर रखने जा रही है जिसके कहीं ना कहीं दुख दर्द ज्यादा थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं? 43 साल बाद 15 मुख्यमंत्री से ज्यादा हिम्मत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो उस दंगे में मौजूद था, मैं उस समय छात्र संघ का अध्यक्ष था हिंदू कॉलेज में। 14,000 साथ उस टाइम हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में 7 लड़के मुसलमानों के रहते थे। पूरा दंगा जब बीच गया, शांत हो गया, मैं उन लड़कों को घर भेजा और ऐसी प्यार मोहब्बत से रहते रहे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब दंगा भर जाता तो आदमी एक दूसरे खून का प्यास हो जाता, आता तो ही कोई देखता फिर क्या हो रहा। तो मैं तो उसका बिल्कुल गवाह हूँ। अब मैं कह रहा हूँ चलो अच्छी बात है, रिपोर्ट है। मैं तो वो तो मुख्यमंत्री जी थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो उस दंगे से पहले आए थे तो उन्होंने ये कहा था, जो बातें रखी थी अपनी, वो दंगे के बाद भी आए वो, और दंगे के बाद भी आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उन्होंने ये पीठ पटा थपथपा के कहा था कि यहाँ DM आए थे SSP की, DM थे मधुकर गुप्ता, मुझे आज भी याद है उनके, इनकी सूझबूझ से दंगा रुका है, मैं इनको शाबाशी देना चाहता हूँ। 10 दिन बाद मधुकर गुप्ता जी का ट्रांसफर हो गया। वो मेरे कॉलेज में फिर जफर अली नकवी होते थे, मुरादाबाद के इंचार्ज थे, वो जनपद के कांग्रेस के मिनिस्टर थे। जब वहाँ एक फंक्शन चल रहा था तो मैं कॉलेज का शासन का अध्यक्ष था, मैं भी बैठा था वहाँ, एनुअल फंक्शन था कॉलेज का, ये चीफ गेस्ट थे। जब भाषण का मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भाई अब मंत्री जी ये बताइए, आप अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो आपने ये कहा था कि उन्होंने कहा था उनकी सूझबूझ से दंगा रुका DMSP, आज DM क्यों बदला गया बताइए आप? आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा तो दे नहीं सकते लेकिन आप कंडम तो कर सकते इस बात को, चीफ मिनिस्टर ऐसा कर रहे थे, DM ऐसा बदल गया। तो उन्होंने बड़ी माफी तलाफी मांगी। अब लड़कों का जोश होता, मेरे साथ लड़कों ने उनको घेर लिया, प्रिंसिपल हाथ जोड़ने लगे, फिर उसके बाद चलो ये तो आई गई बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन बड़ा भयानक दंगा हुआ था। इतनी बाद इस रिपोर्ट को लाना क्या दर्शाता है कि BJP कहीं को इसका पॉलिटिकल वही है, नू में कराया, नू में वहाँ कह रहे हैं जाट इकट्ठा नहीं हुए, जाट नहीं आ रहे। दंगा थोड़ी है, ये तो प्लान है तुम्हारा, वो गुरुग्राम से जाके नू में लोगों को दंगा करा रहे हैं, तो तिलक लगा के तलवारें लेके असली लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। जाटों ने वहाँ पंचायत हुई, मेरे कई लोग जनपद के वहाँ जाने वाले, उन्हें मन कर हम भी जाएंगे। ये तुम चुनाव को, हरियाणा चुनाव को जीतने का षड्यंत्र रच रहे हो, दंगा नहीं है चुनाव का षड्यंत्र है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। वही बात अब 80 गड़े मुद्दे हैं, सरकार तो इन बातों को निरोध नहीं करती है, लेकिन इनका मजा आता, इनका फायदा ही इस बात में, वो तो उठाएंगे। मणिपुर को लेकर के आप लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उस बात को मान नहीं रही है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? चलो ये तो नियम के तहत था कि भी दूसरे सूबे का यहाँ नहीं उठा सकते, हमने तो केवल इतना कहा था कि भी उन्होंने भी कहा, माने अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई हाँ हुआ तो हुआ गलत, मतलब इतना सरकार से चाहते हैं हम जो आप बता रहे हैं, लेकिन सरकार भी ये कहने को तैयार नहीं। अब आप देखिए किसानों का इतना बुरी दुर्गति है, अभी कहती थी सरकार के आय दूनी कर देंगे, लाकर दुगनी से तिगनी होगी किसान की, किसान पैसा छोड़ने को तैयार है, लेकिन बिचारे के साथ मजबूरी है कि दूसरा पैसा क्या करे अपना, वो कोई और धंधा नहीं कर सकता। आप दुकान कर रहे हैं, साइकिल की नहीं चली तो दूसरी कर ली, मिठाई की नहीं चली तो परचून की कर ली, किताबों की कर ली, किसान अपने मजबूरी है उसकी बेचारी, धंधा नहीं छोड़ सकता। बहुत बुरा हाल है किसान का, लागत बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, पढ़ाई के बच्चों के खर्चे बहुत बढ़ गए, उनसे बरकत ही भरपाई नहीं हो रही,
किसान बहुत तंग है आने वाले दिनों में, वो हमारी बेटियां देखो यहाँ बैठी रही, कितनी हठधर्मी, कितनी हठधर्मी। अगर ये हम लोग सरकार में होते और ये विपक्ष में होते तो ये तो सड़कों पे लेट लेट जाते और बर्खास्त करवा के ही मानते हैं, उसको हटवा के ही मानते हैं, जो रेसलर का अपने अध्यक्ष है उसको हटवाते हैं, लेकिन सब चल रहा है। नई नियमावली जो है सर विधानसभा में आ रही है, नई नियमावली के तहत अब विधानसभा में विधायक मोबाइल नहीं ले जाएगा, फट्टियां नहीं ले जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, अब स्पीकर की जो है मुंह के सामने पीट करके नहीं बैठ सकता है, तमाम नई नियमावली को किस तरीके से देख रहे हैं? पीट का तो पहले भी था, पीट करके नहीं जा सकते आप, और मोबाइल नहीं ले जा सकता तक, ये तो एक तरह से उन पर हमला है, विधायिका पे हमला है, विधायक लोगों पर हमला है। अबे अगर हम विरोध नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अब देखिए यहाँ कितने साल से लोग थे, राजनारायण सिंह का मैच, राजनारायण थे यहाँ, उनको तो मार्शल ही ठाकर घेरते थे बाहर को, अपने कदमों पर चले ही, आप लोग पैदा भी नहीं होंगे तब। हमने सुना कि मैंने पढ़ा भी है पुस्तकालय में, राजनारायण जी अभी अपने कदमों से तो आते थे विधानसभा में, लेकिन मार्शल के कंधों पर वापिस जाते थे। प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है हमें, अरे ये अंकुश लगा रही, ये तानाशाही हो रही है, ये लोकतंत्र पर हमला है, विधायकी पर हमला है, जो ये करना जा रहे हैं, मैं कहता हूँ इसका विरोध किया जाएगा, इसको रुकवाया जाएगा। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समरपाल जी को, जिनके साफ तौर पे कहना है कि नई नियमावली विधायिका पर हमला है और ये तानाशाही है, जिसका विरोध सड़क से सदन तक किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार।